दो इक्विवेलेंट दिए हैं आपको के एन एस टू इन लिक्विड अमोनिया। के एन एस टू के दो इक्विवेलेंट क्या करेंगे, बेस है, बेस को क्या चाहिए, एसिडिक प्रोटॉन, और एसिडिक प्रोटॉन वो होता है जहां से निकलने के बाद बनने वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। फिर से सुनना इस बात को, एसिडिक प्रोटॉन वो होता है जो निकलने के बाद जो पीछे माइनस छोड़ देता है वो माइनस स्टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेगा, इस वाले एच को निकालेगा, मिथाइलिन वाले हाइड्रोजन को यहां पर पहला, और दो मोल दो इक्विवेलेंट दिए हैं तो दूसरा क्या करेगा, यहां से भी निकालेगा, यहां से निकाले चाहे यहां से निकाले सेम बात है। देख लीजिए या तो बीच से प्रोडक्ट बनेगा या साइड से प्रोडक्ट बनेगा। अगर दो इक्विवेलेंट दिए हैं तो साइड वाला जो होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कहां, आजू और बाजू, तो आजू वाला, आजू वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा, बी आर दिखेगा तो कूद के अटैक मारेगा और बी आर को बाहर करेगा और चार मेंबर रिंग अपने साथ जोड़ लेगा। तो यहां से आप चार मेंबर रिंग जोड़ लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक दो तीन और चार, ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, एक दो तीन चार पांच, अबे हट, एक दो तीन चार पांच गलत, एक दो तीन एक ही ऑप्शन, एक दो तीन चार सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए। हाँ, आपके मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि यहां क्यों नहीं जोड़ा, मोर न्यूक्लियोफिलिक ये है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइड है दोनों तरफ से, तो ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, आजू वाले की, ना कि बाजू वाले की। क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी के साथ हमारा डिस्कशन होता है खत्म, टाटा टेक केयर, गुड नाइट।